तो आज की वीडियो सबसे हटके है। आज मैं ये क्रिएट करूँगी ज़ारा शाहजहाँ का ये 47,000 का ड्रेस। इसमें कुछ भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, ये पहले दौर में काफ़ी लोग पहना करते थे। हमारे नाना अबू के अक्सर इस तरह के ड्रेसेस होते थे, पैनल लगे होते थे, लेकिन ये लेडीज़ में भी चलता है। तो लेडीज़ के भी ये बड़े प्यारे कुर्ते लगते हैं बने हुए। मैंने इसकी डिटेल देखी, बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी थी और प्राइस इसकी 47,000। तो सबसे पहले मैं चली गई बाज़ार, वहाँ से मैंने फैब्रिक ढूंढना शुरू किया। तो मुझे एक शॉप से ये वाला फैब्रिक मिल गया, उन्होंने कहा था कि आपको हम डाई करवा के देंगे। ये डाई भी हो गया और स्टिच भी मैंने पैनल्स जो थे वो अटैच करवा लिए थे, लेकिन यहाँ मेरे साथ मोए मोए हो गया। गंदम का सीज़न था तो जितने भी कारीगर थे वो छुट्टियों पर थे, को सारी की सारी शॉप्स उनकी बंद थी। तो फिर हमने मुझे कहा कि चलो हम लोग ना लेसिस पे देख लेते हैं, अगर शायद वहाँ से मिल जाए कुछ। अब मैंने सोचा कि अगर ना मिला तो मैं ये पहनूंगी नहीं फंक्शन पे। एक दिन रह गया था फंक्शन में, तो फिर मैंने देखा तो मुझे एक्सैक्ट सेम वही लेसेस मिल गई जैसे एम्ब्रॉयडरी थी स्लीव्स पर और बॉर्डर ड्रेस पर। यहाँ पर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका था क्योंकि सेम वही लेसेस मुझे मिल गई थी। मैं खुश थी कि चलो मेरा ड्रेस बन जाएगा। तो मैंने ये तीन सेम लेसेस ली थी, ये पैनल्स पर लगनी थी, स्लीव्स पर लगनी थी और नेकलाइन पर भी लगनी थी। और यहाँ मैंने ये मोटिव्स लिए थे, ये मेरे ख्याल में 120 रुपये का मुझे एक मिला था। तो दर्जन ने लेस लगा कर दुपट्टे पर भेज दी थी। मैंने खुद स्टिच नहीं किया था इस दफ़ा, मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम था तो फिर मैंने खुद स्टिच नहीं किया इसे। अच्छा, इस कुर्ते की मैं डिटेल बताती जाऊँ। इस कुर्ते में 10 पैनल्स हैं, 5 फ्रंट साइड के और 5 बैक साइड के। या और जो दरमियान वाला पैनल है थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होगा और साइड के जो थे वो थोड़े कम चौड़े थे। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो बॉक्स स्टाइल में हैं। और बाकी मैंने ये सारी लेसेस लगवा ली थी। नेकलाइन पे बटन्स लगे हुए थे, वो बटन भी लगा लिए थे। नेकलाइन फुल की मैंने लेस दी थी लेकिन दर्जन ने हाफ जो थी वो रख ली और इस तरह से लगा दी। चलो फिर भी ये अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये फैब्रिक मुझे 6,000 में पड़ा था डाई करवा कर, और जो लेसेस थी वो 2600 रुपये में मुझे मिली थी। और इसके साथ मैंने फिनिशिंग के लिए जो पलटा लैदर से जमावार का लिया था वो मुझे 200 रुपीज़ का मिला था और इसकी सिलाई मैंने 1,000 रुपया दी थी। तो ये कुल मिलाकर 9,800 रुपया बना था, मतलब 9,800 रुपीज़। और ये ड्रेस असल में जो इसकी प्राइस है वो 47,000 रुपीज़। तो कहाँ 47,000 रुपीज़ और मेरे लगे 9,800 रुपीज़। मेरा इतना रीज़नेबल प्राइस में ये ड्रेस बन गया था और मैंने क्वालिटी और हर चीज़ पे कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, हर चीज़ हाई क्वालिटी मैंने यूज़ की थी। तो ये बैग पे भी सेम वैसे ही लेसेस लगाई थी, फ्रंट की थोड़ी सी चौड़ी थी क्योंकि फुल इस तरह की मिल नहीं रही थी, तो मैंने फ्रंट पे थोड़ी सी चौड़ी लगवा ली और बैग पर मैंने थोड़ी सी पतली लगवा ली। और यह है इसकी फिनिशिंग, इसको मैंने पलटे के साथ जो जमा वर्क लिया था उसके साथ करवाई है और इसकी बहुत प्यारी लुक आई थी। तो मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ भी हूँ कि मैंने शादी पे इसको किस तरह से स्टाइल किया था। यह है इसकी फुल लुक। आई होप आप लोगों को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा होगा। और शलवार साथ में मैंने सिंपल रखवाई थी, मैंने शलवार पे जो वैसे पिक्चर में लेसेस लगी हुई थी मैंने नहीं लगवाई थी। और ये इसकी फाइनल लुक देखिए, चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। और ये थोड़ा मरून रेड कलर था तो मैंने इसके साथ ग्रीन कलर का कम्बिनेशन किया था, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ली थी सिंपल, और साथ में मैंने मरून कलर का खुस्सा पहना था। और इसके साथ ये हैंडमेडेड बड़ा प्यारा स्टॉल से ख़रीदा था क्लच, वो यूज़ किया था। मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं एक चीज़ ही पहनती हूँ, या इयररिंग पहन लेती हूँ या चोकर वगैरह कुछ हो तो वो पहन लेती हूँ। तो मैंने इसके साथ ये वाला चोकर पहना था और शादी पे इतनी अच्छी इसकी फुल लुक आई थी और मेरा दिल था कि सब देखें और ऐसा ही हुआ। सब ने पूछा कि यार आपने कहाँ से बाय किया। आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।